हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार गुप्ता, ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैथ में एसडी यादव बुक बता रहे थे। एसडी यादव बुक में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में एक से लेकर 30 तक क्वेश्चन ने बता दिए थे। आज होगा पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम पढ़ाएंगे 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा वो आपके एसडी यादव बुक से होगा और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 31 क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 16 है और उनका दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो संख्याओं का योगफल 16 है। दो संख्या का योगफल जो है 16 दे रखा है और क्या कहता है उसका गुणनफल। मानते हैं एक संख्या x और दूसरा संख्या y है, उसका गुणनफल क्या दे रखा है, 55 गुणनफल दे रखा है। जब दोनों संख्या का योगफल और गुणनफल इतना दे रखा है तो बताता है, यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसके व्युत्क्रम का योग। इसका मतलब है कि x का व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/y, x का व्युत्क्रम होगा। इसीलिए x और y इसका एलसीएम करेंगे और x प्लस वाई में क्या है, x प्लस वाई का मान 16 दे रखा है, 16 लिखेंगे और x और y का मान, x इंटू वाई का मान दे रखा है 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 31 का 16/55, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। आइए देखते 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। 31 की तरह है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में योगफल दे रखा है 11 और उसका गुणनफल बोल रखा है कि हम 18 है, ठीक है। उसका बोल रखा है, बोलता है संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, वही क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन हो चुका था वही क्वेश्चन है। इसका हम एलसीएम करेंगे x और y, x प्लस y, एलसीएम ये आ जाएगा और x प्लस y का मान, x प्लस y दे रखा है और 18 दे रखा है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। 32 का आंसर हो जाएगा 11/18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। 33 कहता है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया है। 33 कहता है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया है। हम मानते हैं कोई संख्या x और दूसरा संख्या y है और उसका गुणनफल दे रखा है x और y, दोनों दे रखा है क्रमशः 12 और 35 है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। अभी जो पीछे दो क्वेश्चन हुआ था सेम टू सेम वही क्वेश्चन हुआ था, x प्लस y बटे x इंटू y, x प्लस y 12 दे रखा है, x इंटू y हो जाएगा 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12/35। क्वेश्चन नंबर 33 था 33 का हो जाएगा 12/35, ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 12/35। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। 34 भी उसी टाइप पे है। 34 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग जो है 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, उसका गुणनफल क्या दे रखा है, उसका गुणनफल यही दे रखा है 375। हमने अभी चार क्वेश्चन इसी तरह से किए थे, संख्याओं का योग ऊपर में है, संख्याओं का योग बट्टे एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 375। ये करते थे उसके व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है, यही करते थे। इसका मतलब है कि x प्लस y बटे x y, यही x y ये आया, x प्लस y ये आया, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, इसको काट देते हैं, 5×8=40, 5×7=35 और 5×5=25, यानी आंसर हो जाएगा इसका 8/75, यही आंसर कहलाएगा, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा 8/75, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। दो संख्याओं का
दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है कि हम 5 हैं, उसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन में कि उनका गुणनफल 336 है, उस संख्या का गुणनफल जो है 336 है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। इसमें हमें सबसे पहले x और y का मान चाहिए था, x और y का मान हम एक प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर हम x दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं तो x plus y minus 2ab भी करके निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं पुट करना है क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल इस दोनों का गुणनफल ये दे रखा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम गुणनफल करेंगे, गुणनफल में क्या है, देखिए गुणनफल इधर देखते हैं ना, इसका गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे,